माघ मेला 2022 में समस्याएं खत्म होने का नाम तक नहीं ले रही है। जहां एक ओर कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण स्नानार्थी श्रद्धालु और कल्पवासियों का आना न के समान हो गया है, वहीं पर गंगा नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण गंगाद्वीप पूरा जलमग्न हो चुका है, जिससे कल्पवासियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा रहा है। प्रयागराज के संगम की रेती में बसने वाले तंबुओं के शहर माघ मेले में अब संकट के बादल और अधिक गहरे होते जा रहे हैं। जहां एक ओर कोरोना वायरस के प्रभाव से माघ मेला 2022 के पौष पूर्णिमा स्नान विफल रहा और बड़े बड़े सरकारी दावों के बीच श्रद्धालुओं का आगमन न के बराबर रहा, वहीं गंगा नदी के अचानक बढ़ते जलस्तर ने कल्पवासियों के लिए भी परेशानी और मुसीबत बढ़ा दी है। गंगा नदी में बढ़ते जलस्तर के कारण कल्पवासियों के तंबुओं में पानी घुसने लगा है, जिसकी वजह से वहां रहना दूभर हो गया है। आनन फानन में प्रशासन ने कल्पवासियों को सेक्टर 5 में भेजने का प्रबंध तो कर दिया है, लेकिन न तो वहां पर समुचित जल की व्यवस्था है, ना ही सड़कें और ना ही बिजली, जिसके कारण कल्पवासियों में असुरक्षा की भावना सामने आ रही है और उन्हें डर है कि इन परिस्थितियों में यदि कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो वह किस प्रकार अपनी रक्षा करेंगे। वही जिलाधिकारी प्रयागराज संजय कुमार खत्री ने बताया कि गंगा नदी में 24,000 क्यूसेक अतिरिक्त पानी आ जाने की वजह से यह सारी समस्याएं हो रही है। सर्दी के मौसम के कारण अभी सिंचाई की समुचित जरूरत नहीं है और बेमौसम पहाड़ों से लेकर तटीय क्षेत्रों तक हो रहे हैं बारिश के कारण। जहां गंगा नदी में 7,000 क्यूसेक पानी आना चाहिए था, वह बढ़कर 24,000 क्यूसेक हो गया है, जिससे गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसके कारण माघ मेला 2022 के गंगाद्वीप तीर्थ क्षेत्र को काफी नुकसान पहुंच रहा है और वहां पर प्रयागवाल पंडा समाज और कई संस्थानों के टेंट लगे हुए हैं, जो कि जलमग्न हो गए हैं। युद्ध स्तर पर इन सभी को विस्थापित किया जा रहा है और इनकी सभी सुविधाओं को जल्द से जल्द यथासंभव पूरी करने की व्यवस्था की जा रही है। अगर तोरे में शक्ति होई तो साले के नाश कर दी है। यहाँ देखिए, ये गंगा क्षेत्र है, आस्था का क्षेत्र, यहाँ जो भी करेगा गलत उसका विध्वंस हो जाएगा। औलाद उसके काम नहीं आवेंगे। देखिए गुप्ता जी के उंगली में जो है कैंसर भाई भाई एक साले के हो जाएगा। नहीं थी भैया, हम लोग को पहले गंगादीप में यहाँ दिया गया, वहाँ से हम लोग हटाए, यहाँ रखवाए तो यहाँ से भी हटवा रहे हैं। क्या कारण है, किस लिए हटा रही हैं भाई? हम लोग को कहीं जगह नहीं दे रहे हैं, जगह दिए हैं कहाँ भैया? वहाँ हेटा पार्टी का क्या कहते हैं उधर, नहीं यहाँ से आप लोग क्यों हटा रही हैं? पानी को वजह से हटवा दिए हैं। क्या गंगा बढ़ रही है तेजी से? जी गंगा बढ़ रही है, ये तो आप देख ही रहे हैं गंगा कितनी बढ़ रही है, लेकिन प्रशासन वालों की लापरवाही, उन लोगों को क्या नॉलेज में नहीं था भैया कि यहाँ यहाँ पे पानी आने वाला है कि नहीं आने वाला है? रिक्शा वाला जमीन है, उनको तो नॉलेज में रहा होगा ना, फिर भी इतना हम लोगों को क्यों कष्ट उठवाने दिए? अब मान लीजिए एक बार हमारा व्यवस्था करके हमारे घर के लोग चले गए हैं, उसके बाद हमारा कौन ये सब इंतजाम करे, आप बताइए। नाम बताइए। मैं पुष्पा भार्गव। विगत सप्ताह में जो बारिश हुआ है उसकी वजह से हमारे जितना सिंचाई की आवश्यकता थी वो कम होने की वजह से गंगा नदी में पानी ज़्यादा है, और इस बार विगत वर्षों की अपेक्षा हम देखें तो हर बार 7,000 क्यूसेक पानी रहता है, लेकिन इस बार 24,000 क्यूसेक के आसपास पानी है। तो इसी वजह से गंगाद्वीप एरिया में इस बार पानी भरा है
और पानी भरने की वजह से लाइट की कटौती हुई, लेकिन वहाँ जितने भी हमारे कैंप वासी थे उन सबको शिफ्ट करने की कार्रवाई कल शाम को भी सुनिश्चित करी गई है, और जितने प्रयागवाल थे उनको हम लोगों ने कल शिफ्ट किया, तो मुझे लग रहा है कि अब ये समस्या का समाधान हो चुका है। थैंक यू।